आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ समय पहले ऐसा था कि आप कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि सुबोल को घर के बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि टॉप 7 टॉप 8 में सुबोल भी है। क्या कहना चाहोगे अब तक की उसकी जर्नी जब कैसी लग रही है आपको? नो डाउट सुबोल की जर्नी बिल्कुल एक उतार चढ़ाव के साथ रही। शुरुआत में बहुत टूटी बिखरी समिटी अपने आप को, और आज जिस तरह से वो स्ट्रांग बन के खड़ी है और लगभग फिनाले की ओर कदम बढ़ा दिया है उसने, और इस वक्त वो बिग बॉस की सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट है जिसने 100 दिन पूरे किए हैं, तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है। शुरुआत में हालांकि चूँकि कभी मैं बिग बॉस को मैंने फॉलो नहीं किया था और कभी मैं अपनी बेटी से दूर भी नहीं हुआ था, तो शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मेरे को, मैं बहुत तकलीफ में था, लेकिन अब सारी चीज़ें इतनी पॉजिटिव हो गई हैं कि अब ये लग रहा है कि जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है। और जिस वजह से हम दोनों ने ये निर्णय लिया था बिग बॉस में जाने का, वो लग रहा है कि हमारा निर्णय बिल्कुल सही था, और सुबोल जिस तरह से बहुत स्ट्रांग बनकर बाहर आ रही है, निकल रही है, दुनिया को पसंद आ रही है, वो मेरे लिए बहुत मतलब प्राउड का मोमेंट है आज की डेट। साथ ही अब तक की जर्नी में क्या लगता है, अभी भी कुछ लोग हैं अंदर जो सुबोल को पसंद करते हैं, कुछ कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे भी बात करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है किसका साथ देना चाहिए सुबोल? देखिए सुबोल का जो स्टार्टिंग का, देखो सुबोल के साथ ये है कि वो रिश्तों की बहुत अहमियत रखती है, वो जिसके साथ जुड़ती दिल से जुड़ती है, और शुरुआत में वो शरीन टीना के साथ जुड़ी और बहुत दिल से जुड़ी, लेकिन उन्होंने क्या प्लानिंग की थी वो तो शायद उसको भी नहीं पता थी, जो ये सारा का सारा नैरेटिव क्रिएट हुआ उसके बाद जिस तरह से वो टूटी, उसके बाद जिस तरह से शिव ने, निमरित, साजिद सर, अब्दू और स्टैन ने उसको संभाला, और आज वो उनके साथ जुड़ गई है, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से रह रही है, तो मुझे ये लगता है कि ये सारी जो जर्नी है ना उसकी, वो बहुत सीखने के लिए है, और आज की डेट में सुबोल एक टीनएजर्स के लिए तो इंस्पिरेशन बन गई है कि एक 19 साल की लड़की जो इतना कुछ झेल चुकी हो उसके बाद कैसे उन तमाम चीज़ों से बाहर आती है, तो ये जो पूरी की पूरी जर्नी है ना वो लोगों को यादगार रहने वाली है। साथ ही अंदर हम बार बार हमेशा से टीना से सुनते हैं कि तुम अभी भी नहीं दिख रही हो, तुम अभी भी अपना गेम नहीं खेल रही हो, आप कुछ कहना चाहोगे उसके ऊपर? देखिए वो दिख रही है नहीं दिख रही है वो तो इसी बात से साबित हो जाता है कि बिग बॉस 16 के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर नॉमिनेट कोई हुआ है 11 बार, तो वो सुबोल हुई है, और हर बार वो बाहर निकल के आई है। अगर वो दिख नहीं रही होती या उसके बारे में बातें नहीं हो रही होती तो शायद वो अभी तक बच भी नहीं पाती। वो ठीक है वहाँ पे एक गेम प्लान होता है एक दूसरे का मॉरल डाउन करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तो वो अपना गेम प्लान कर रहे हैं, लेकिन सुबोल बिल्कुल आराम से कछुए की चाल चल रही है, और मुझे मालूम है कि वो बढ़ती जाएगी और लोग यही सोचेंगे कि ये क्या हो गया, जब रिजल्ट आएगा बहुत अप्रत्याशित होगा, ये गारंटी है। क्या लगता है आपको अभी इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद, हाल ही में अभी हमने देखा कि एकता कपूर भी अंदर आई थी, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बाहर ये भी कहा जा रहा है कि इसे ये शो मिलने वाला है, उसे वो शो मिलने वाला है, सुबोल के लिए भी नागिन 6 की बात हो रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे उस पर? देखिए सुबोल के लिए बहुत से प्रोजेक्ट आए हुए हैं, नो डाउट पाइपलाइन में है, लेकिन उसको मैं रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि बाकी जिस तरह के लोग बाकी की जो उसको हाइक लेने के लिए उन सारे नामों को उल्लेख कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह की कोई भी चीज़ करूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब सुबोल बाहर आए वो सारे प्रोजेक्ट्स को देखे, फिर अपने अकॉर्डिंग जो उसको सही लगे वो करे। हाँ ये सच है कि बहुत से प्रोजेक्ट हैं और जैसे वो बाहर आती है हम रिवील करेंगे उन सबको, अभी रिवील करना मेरे को नहीं लगता कि सही है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि बिग बॉस के टॉप 3 में कौन आ सकता है, आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ गेम लग रहा है अभी, कहीं ना कहीं एक जगह इतनी सारी लड़कियां हैं और एक जगह 3 लड़के हैं, क्या लगता है कौन टॉप 3 में आ सकता है? देखिए टॉप 3 तो अभी मेरे को लग रहा है कि 2 हफ्ते पहले, अब चूँकि अभी 8 लोग हैं, 8 लोगों में टॉप 3 निकालना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा क्योंकि सारे स्ट्रॉन्ग ही रह गए हैं अंदर। हाँ टॉप 5 मैं बोल सकता हूँ कि टॉप 5 में मेरे को शिव है, स्टैन है, निमरित है, सुबोल और प्रियंका, ये तो मुझे 101% टॉप 5 में लग रहे हैं। आपसे अर्चना के रिलेटेड जानना चाहेंगे, क्या लगता है, क्योंकि हमेशा से जब जब अर्चना की कहीं पे भी बात होती है तो लोग ये कहते हैं कि उनके लव्स ये उनको कहीं ना कहीं पीछे ले जा रहे हैं,
कैसी बॉन्डिंग रही है उनकी सुंबुल के साथ, अगर आज तक आपने जर्नी अगर देखी हो? नहीं, अर्चना देखिए नो डाउट बहुत अच्छी लड़की है और बहुत समझदार भी है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत स्ट्रांग रहता है वो, लेकिन उसकी जो ज़ुबान है ना वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। अगर वो इस चीज़ पे काम करती तो मेरे को लगता है कि अर्चना एक बहुत बड़ा धमाका करती इस बिग बॉस में, क्योंकि जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी थी, जिस तरह से उसने डे वन से सारे लोग को अपनी तरफ खींचा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने हर चीज़ को ओवर कर दिया और अपनी ज़बान जो ख़राब करी है थोड़ी सी, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। नहीं तो देखा जाए तो अर्चना बहुत अच्छी लड़की। हाल ही में हमने सौंदर्या से भी बात की थी एक इंटरव्यू के दौरान, हमने पूछा कि क्या लगता है आपको, आप नहीं निकल, आपके कॉम्पिटिशन में और भी कौन से लोग थे जिन्हें निकलना चाहिए था, वो डिज़र्विंग नहीं थे, तो कहीं ना कहीं सुंबुल का भी उन्होंने नाम लिया था, आप क्या कहना चाहोगे कि लाइक कंटेस्टेंट्स की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा? देखिए बिग बॉस के बारे में जो नरेटिव है ना लोगों का, मतलब जो के वहाँ पे अगर आप शाउट कर रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, लड़ाइयाँ कर रहे हो, फर्जी चीज़ें कर रहे हो, तो आप आगे तक जाओगे, तो एक ऐसा नरेटिव है। लेकिन सुंबुल ने उस नरेटिव को लगभग फेल कर दिया है। उसका साफ कहना कि हम लड़े क्यों जब हम बातचीत से सारे मुद्दे सॉल्व कर सकते हैं, ये बात उसने सिमी अग्रवाल जी के सामने भी कही थी कि हम लोग बातचीत करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और हर बात में चीखना या दूसरों के मुद्दे में घुसना ये सुंबुल नहीं करेगी। तो ठीक है, एज पर जो एक नरेटिव बना है बिग बॉस को लेकर उसके अकॉर्डिंग लोग कह रहे होंगे ये बात, लेकिन पब्लिक को ये बात बहुत पसंद आ रही है और उसके साथ जिस तरह लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्स उसके अंदर से मिल रही है, तो सौंदर्य की अपनी सोच हो सकती है और नो डाउट सौंदर्य भी बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे वक्त आता है एक एक करके सबको जाना ही होता है वहाँ से, तो उस लिहाज से वो गई है, तो उनकी सोच भी मैं गलत नहीं कहता, उन्होंने एक प्रॉस्पेक्टस बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग कही है बात। साथ ही आपने तो अब तक की बिग बॉस की पूरी जर्नी देख ही रहे हो सुंबुल का, क्या चाहते हो आप अगर बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद भी सुंबुल को किनके साथ अपनी दोस्ती रखनी चाहिए कायम, किनके साथ नहीं, क्योंकि सभी गेम तो आप लोगों ने बाहर से देखा ही है? नहीं देखिए, सुंबुल के साथ मैं पहले दिन से कहता रहूँ कि सुंबुल रिश्तों की बहुत अहमियत करती है, और अभी जिस तरह से उसका शिव के साथ, स्टैन के साथ, अब्दू, साजिद सर और निमृत के साथ जो बॉन्ड बना है ना, वो गेम के लिए नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए है, क्योंकि आज भी वो उनके साथ वैसे ही जुड़ी है जैसे वो शुरुआत में शालिन के साथ जुड़ी थी, वो बहुत केयर करती है, बिल्कुल अपना समझ के चलती है, और ये जो रिश्ता बना है ये गेम के लिए तो नहीं है, क्योंकि कभी आपने नहीं देखा होगा कि सुंबुल ने किसी को भी कहा हो कि भाई मुझे इस बार नॉमिनेशन से बचाना या मुझे डालना, कोई बात नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ रिश्तों की बात करते हैं और एक दूसरे को नॉमिनेट भी करते हैं तो वापस आके हक करते हैं, मतलब एक दूसरे शिकायतें नहीं करते, माहौल क्रिएट नहीं करते ना झगड़ा करते हैं आपस में, तो ये लंबा तक जाएगा। अगर बिग बॉस के बाद भी अगर कोई रियलिटी शो करने का अगर मौका मिलता है तो आप क्या चाहते हो, किस तरीके का रियलिटी शो करना चाहिए सुंबुल? देखिए ये सारा डिसीजन तो मैं सुंबुल के ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि एक रियलिटी शो का एक्सपीरियंस वो लेके आ रही है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ज़िंदगी में कि वो मुझसे इतना दूर रही है, वरना 4-5 दिन से ज़्यादा हम लोग दूर नहीं रहे कभी, ये 4 महीने का गैप है जो शायद मेरे लिए भी बहुत तकलीफ दे था, उसके लिए भी रहा होगा, तो अब वो अगर उसको लगेगा कि हाँ रियलिटी शो करना चाहिए तो मैं उसे मना नहीं करूँगा, हर डिसीजन उसका होगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। साथ ही अभी कुछ समय पहले सभी पेरेंट्स अंदर गए थे, अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सलाह दे रहे थे, लेकिन आपके यहाँ से भी उनके बड़े पापा गए थे, क्या कुछ सुझाव उन्होंने दिया है? नहीं, बड़े पापा उसके पास मिलने गए थे और उसको एक मॉरल सपोर्ट देने गए थे, लेकिन गेम को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं करी, क्योंकि आपने देखा होगा कि फैमिली वीक के बाद लगभग सारे पेरेंट्स ने क्या क्या कहा है ये वहाँ पर बताया गया है कि किसने गेम प्लान समझाया, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, लेकिन मेरे बड़े भाई इकबाल ने ऐसी कोई बात नहीं कही, क्योंकि एक भी लफ्ज़ उनके बारे में नहीं कहा गया कि उन्होंने सुंबुल को समझाया है, बस वो सुंबुल को हंसाने गए थे, उसको रिलैक्स कराने गए थे, उसको ये एहसास कराने गए थे कि बेटा तुम ठीक हो और हम भी ठीक है और सब अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो बहुत कंसर्न थी मेरी तबीयत को लेकर, और चूँकि हम लोग भेजना चाह रहे थे सानिया को लेकिन उसकी एज कम थी इसलिए उन्होंने उसको मतलब परमिट नहीं किया, इसीलिए फिर मैं चूँकि मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए मैंने भी बड़े पापा को भेजा। साथ ही अभी
साथ ही हाल ही में हमने एपिसोड में देखा है कि जिस तरीके से सुम्बुल और प्रियंका की एक लड़ाई हो रही है, जिसमें किस तरीके से सुम्बुल अपना पक्ष रख रही है, क्या कहना चाहेंगे जब बेटी को ऐसा अलग ही रूप में देखने के बाद? नहीं देखिए, सुम्बुल जो है वो अपनी बातें रखती है, बस हाँ कि वो बेवजह किसी और के मुद्दे में नहीं जाएगी, लेकिन जब बात खुद के ऊपर आती है तो सीधी बात है कि हमको अपना पक्ष रखना पड़ेगा। और सुम्बुल की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसके, हालांकि वन लाइनर तो बहुत इस बार फेमस भी हुए थे, वो लाइनर बहुत अच्छी लगी कि जब आप बहुत लाउड होकर मुझसे बात करोगी तो मुझे अपनी बात सुनाने के लिए मुझे भी लाउड होना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने बदतमीज शब्द का इस्तेमाल किया था, वो बदतमीज शब्द उन्हीं के ऊपर भारी पड़ा क्योंकि पूरी ऑडियंस ने कहा कि बिग बॉस 16 के अंदर ये बदतमीज लफ्ज जो है वो सुम्बुल के ऊपर कहीं जमता ही नहीं है, क्योंकि डे वन से लेकर आज तक उसने ना तो कोई गलत शब्द ना किसी तरह की कोई मिसबिहेव किसी के साथ भी किया, चाहे उन्होंने उसके साथ अच्छा किया हो चाहे ना किया। साथ ही उन्हें ये भी कहा जाता है कि आप अपनी फिल्मी डायलॉग्स अभी बंद करो, आपको लगता है कि वाकई उनके जो भी बातें होती है फिल्मी होती है? नहीं देखिए क्या है, क्या होता है, अब आपकी जैसी परवरिश होती है, अब चूंकि मैंने बचपन से उनको, चूंकि मैं लिखता हूँ और मैंने उसको कहानियाँ सुनाई हैं बहुत सी और कविताएँ सुनाता था उनको हमेशा, तो हमारे लफ्ज़ों में आम जनता से हट के भी लफ्ज़ होते हैं और वही मेरे बच्चे भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं भी, मेरी कविताएँ ज़्यादा सामने आती हैं तो लोगों को लगता है कि हम लोग सारी चीज़ें बनाते हैं, वो हमारा बोलने का ढंग है, हम जब बात करेंगे तो हमारी बातों में कभी शायरी भी आएगी, कभी हम लोग कोई अच्छे कोट्स भी बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ये स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड नहीं है, वो हम लोग ने बचपन से जो सीखा है ना वो सुम्बुल के साथ भी है और सुम्बुल भी वैसा ही बिहेव कर रही है, तो वो फिल्मी तो नहीं है, हाँ वो बिल्कुल नेचुरल है और वो ऐसी ही है डे वन से। साथ ही बिग बॉस के घर के बाहर जितने भी लोग हैं जो इतना बिग बॉस को पसंद करते हैं, सभी के अपने अपने विचार होते हैं, लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है कभी किसी को बड़ा शो मिलता है तो कहीं ना कहीं ट्रॉफी और शो के बीच में अगर दो चीज देनी रहती तो कभी कभी लोग शो भी ले लेते हैं, क्या लगता है अगर सुम्बुल को अगर ऐसा कुछ कहा जाए तो क्या डिसीजन लेगी? नहीं, मेरे को तो लगता है कि सुम्बुल को एहसास है कि वो क्या है और आने वाली जर्नी उसकी क्या होने वाली है, तो और जिस टारगेट के साथ वो गई है उस टारगेट को तो वो नहीं भूलेगी, वो वहाँ पे बिग बॉस गई है सीखने, सीखा, मैंने कहा था डे वन में कि दिल जीत के आना, उसने दिल भी जीत लिए, अब हमारा टारगेट होगा, खासकर सुम्बुल का टारगेट होगा ट्रॉफी, तो अगर ऐसा कोई चीज़ आएगी भी तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको वहाँ पे एक्सेप्ट करेगी, वो ट्रॉफी पे ही केंद्रित रहेगी। साथ ही बीच में जब आपने कहा था कि कहीं ना कहीं सुम्बुल को वोट ना दो, सुम्बुल को हम बाहर देखना चाहते हैं, क्या वो डिसीजन आपका जो था वो गलत था, कहीं ना कहीं आप मानना चाहेंगे क्योंकि सुम्बुल बहुत से बदलाव अभी हम देख रहे हैं? नहीं, क्या हुआ था दरअसल कि टीना और शादी में जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे क्रिएट की थी, जिस तरह से सुम्बुल टूट रही थी बहुत बुरी तरह से, और मुझसे ज़्यादा परेशान उसके फैंस थे, मैं फैंस नहीं फैमिली कहूँगा, तो सारे फैंस बहुत परेशान थे, मतलब वो बहुत तकलीफ में थे, वो तकलीफ मुझे देखी नहीं जा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि सुम्बुल बाहर आ जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए, लेकिन फिर वही फैंस जो जिनको मैं फैमिली कहता हूँ उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ऐसा मत करिए, और वो उसके साथ खड़े रहे, और उसके बाद जिस तरह से सुम्बुल ने अपने आप को दोबारा से उठाया है और आज इस जगह पे पहुँचा, तो मुझे लगा कि वो जो उनकी फैमिली का डिसीजन था, सुम्बुल की जो सारी फैमिली है, सुमान है, एफसी है और आपका आरएली है और सुम्बुल स्क्वाड है, उनका जो निर्णय था वो बिल्कुल सही साबित हुआ, और जिस तरह से चीज़ें अभी डिस्क्लोज हुई, खासकर जब टीना और शालीन ने एक दूसरे को ही ब्लेम कर दिया और सारी प्लानिंग खोल के रख दी, तो उस पर मेरे को चार लाइनें मैंने लिखी थी, वो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे अंतर के दावा नल को तुम जितना सुलगाओगे एक ना एक दिन उसकी आग में तुम भी झुलसे जाओगे, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं, जिस दिन घूमेगा नियति चक्र फल कर्म का तुम भी पाओगे। और आज वही हुआ कि बिग बॉस के अंदर जो शुरुआत में सुम्बुल की स्थिति थी, वीकेंड के बाहर पे सुम्बुल हाथ जोड़ के रो के कह रही थी कि मुझे घर जाना है और मैं ऐसी नहीं हूँ या मैंने नहीं किया है, और बाद में फिर वो साबित हुआ, सलमान खान सर ने खुद बोला कि हाँ ये वैसी नहीं है जैसा उसके बारे में कहा गया, लेकिन जैसे जैसे बिग बॉस होता गया वही चीज़ें पूरी सामने आ गई, वही चीज़ टीना के ऊपर थी, वो भी रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि मुझे बाहर जाना है, तो
मैं तो बस यही कहूँगा कि अपनी ही करनी का फल है, आपकी रुसवाइयाँ आपके पीछे चलेंगी, आपकी परछाइयाँ। आखिरी में क्या कहना चाहोगे आप सभी सुंबुल फैंस को, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सुंबुल को। कहीं ना कहीं अभी ये भी कहा जा रहा है कि अगर टॉप थ्री में अगर कोई लड़कियां है तो वो है सुंबुल और प्रियंका और अर्चना। इन तीनों की जो है, तीनों के भी कैरेक्टर लाइक अलग ही एक तरीके के गेम थे इन तीनों के, क्या कहना चाहोगे इन सुंबुल का? नहीं देखिए, मैं सुंबुल के जो भी फैंस हैं मैं तो उनको हैट्स ऑफ करता हूँ। बल्कि आज जिस तरह, अच्छा दूसरा तो इनको फैमिली जैसी वाइब्स है, मतलब जैसे फैंस होते हैं वो फैंस नहीं है, बिल्कुल फैमिली जैसा फीलिंग है। मेरे को डीएम करते हैं कि सुंबुल दुबली हो रही है, उसको बोलो कि वो खाए, सुंबुल ये कपड़े पहन रही है, सुंबुल ये नहीं कर रही है, सुंबुल को ऐसा बोलो। तो अब क्या लग रहा है, जैसे वो सारे लोग गार्जियन हैं और मैं सुंबुल का मैनेजर हूँ, तो मैं उनको जवाब देता रहता हूँ कि हाँ भैया मैंने कपड़े भेजे हैं, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है। तो कभी कभी थोड़ा सा अजीब लगता है मेरे को, लेकिन बाद में लगता है कि इतने ढेर सारे जो उसने लोग कमाए हैं, एक फैमिली बनाई है, वो मेरे लिए मतलब अमेजिंग है। और आज सुंबुल के साथ जिस तरह से सारे लोग खड़े हुए हैं ना, मैं तो बस उनको हैट्स ऑफ करता हूँ कि ईश्वर ऐसी फैमिली ऐसे फैंस सबको दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।